आज हम आपको महाराष्ट्र में बनने वाली लाल चटाकेदार पाटोड़ी रसा यानी पाटोड़ी की सब्जी की रेसिपी बताने जा रहे हैं, तो इस रेसिपी को ध्यान से देखिए। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी विद माधुरी। आज मैं आपको पाटोड़ी की सब्जी बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। उसके लिए सामग्री है एक कटोरी तेल, दो कटे हुए प्याज बारीक काट के, एक कटोरी बेसन, लहसुन अदरक और जीरा इसका पेस्ट है ये, नमक थोड़ा सा, गरम मसाला, हींग, एक कड़ी पत्ता दो चार पत्ते, हरा धनिया, राई, लाल मिर्ची और हल्दी। चलिए हम अब पाटोड़ी बनाने के लिए उसका डो तैयार करते हैं। सबसे पहले हम गैस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गंज में थोड़ा तेल डालते हैं। ये दो चम्मच तेल डाल दिया है। तेल थोड़ा कम चाहिए इसमें, ज्यादा तेल हो जाएगा तो पाटोड़ी टूट जाती है, इसलिए तेल कम रखना है। इसमें से आधा प्याज ग्रेवी के लिए रखते हैं, एक प्याज इसमें डाल दिया है। दूसरा प्याज धुले देते हैं, इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। ये प्याज जल्दी होने के लिए थोड़ा सा नमक डालते हैं। ये प्याज होने जा रहे हैं, अब इसमें हम लहसुन अदरक का एक चम्मच पेस्ट डालते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छा सुनहरा होने दीजिए, ब्राउन सा। देखिए प्याज और ये अदरक का पेस्ट हो गया है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और पानी डालते हैं। इसमें दो कप पानी डालना है और इसको उबाल आने देना है। तो अच्छे से उबल जाएगा ये पानी, उसके बाद इसमें बेसन डालना है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं स्वाद के लिए, ताकि अच्छा स्वाद आ जाए। देखिए अब ये पानी उबल गया है, इसमें अब हम बेसन डालते हैं। अच्छी तरह से इसको ताकि इसमें गुठली न बच जाए। देखिए इस तरह से इसका डो तैयार हो जाएगा। इसको अब धीमे आंच पे 5 मिनट के लिए पकाना है, उसके बाद हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। बेसन को अच्छी तरह से पकाना है, नहीं तो पाटोड़ी ग्रेवी में टूट जाएगी। धीमे आंच पे पकाना है इसको, उसके बाद हम इसे एक थाली पे निकालते हैं और पाटोड़ी तैयार करते हैं। ये डो अपना तैयार है, पूरी तरह से पक चुका है। इसको हम अब गैस बंद कर देते हैं। थाली में थोड़ा सा तेल लगाते हैं हल्का सा, और इस पे ये बैटर फैलाना है। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लीजिए और इसको अच्छे से फैला दीजिए।
तरह से। ये काफी गर्म रहता है, इस तरह ये रोटी के जैसा फैलाना है और इसको ठंडा होने दीजिए। फिर इसके अपन पीस करते हैं ठंडा होने के बाद। चलिए हम अब पाटोड़ी के लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। ये गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख दी है, इसको गर्म होने दीजिए। अब इसमें ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तेल डालते हैं। ये 2 चम्मच तेल डाल दिए, इसको गर्म होने दीजिए। फिर इसमें प्याज डालते हैं। ये तेल गर्म हो चुका है, इसमें हल्की सी राई डालते हैं थोड़ी सी। फिर 2-4 ये कड़ी पत्ता डाल देते हैं और ये प्याज डालते हैं। इसमें थोड़ा सा हींग डालना है, थोड़ा सा प्याज भुने दीजिए। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। प्याज जल्दी होने के लिए इसमें थोड़ा नमक डालो, ये प्याज जल्दी हो जाए। अब ये प्याज थोड़ा हो गया है, अब इसमें हम लहसुन अदरक का और जीरे का पेस्ट डालते हैं। जब तक ये प्याज नहीं होता है तब तक हम इसके पीस कट कर लेते हैं। ये ठंडा हो चुका है, देखिए इस तरह से इसके पीस काटने हैं। देखिए अब ये प्याज और ये पेस्ट हो गया है पूरी तरह से। अब इसमें हम नमक डालते हैं, 1 चम्मच नमक। आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्ची। अब इसमें पानी डालना है इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए। 1 ग्लास पानी डाल दिया है। ये ग्रेवी पतली है तो इसमें थोड़ा सा ये बेसन घोल के 1 चम्मच थोड़ा डाल देते हैं, इसको उबलने दीजिए थोड़ा सा। फिर इसमें हम पाटोड़े डालते हैं। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं। देखिए पाटोड़ी कट के तैयार है। अब इसमें हम ग्रेवी में डालते हैं। देखिए अब ये ग्रेवी तैयार है। अब इसमें हम पाटोड़े डालते हैं और धीमे आंच पे थोड़ी देर होने देते हैं और हरा धनिया से गार्निश करते हैं। ये अब ये अपनी पाटोड़ी की सब्जी तैयार है, अब इसे हम सर्व करते हैं। देखिए पाटोड़ी की सब्जी हमने सर्व कर दी है, इसको आप तड़का लगा के भी खा सकते हैं। ये फेमस डिश है महाराष्ट्र की, आप भी इसे बनाइए और इसका स्वाद लीजिए, बहुत बढ़िया बनती है ये सब्जी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।